फ्रेंड्स, मेरा नाम करण है। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का टॉपिक देख सकते हैं, नेशनल इको कंपनी का रेडियो है। ऑलरेडी इसका मैंने वीडियो बनाया है, वापस एक बार बनाना चाहता हूँ कि आधा ही इसमें से रेडियो का काम हुआ है। वो अंकल के पास बहुत सारा काम था तो अंकल को टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं अंकल से लेके आया हूँ। मैं अभी ये दूसरा मतलब बनने के बाद मैं वापस एक बार बता दूंगा। पूरी तरह काम हो गया है, बस थोड़ा सा ही सेटिंग का काम है। मैं आपको अंदर का भी दिखाता हूँ, बाहर का भी दिखाता हूँ। बहुत ही छोटा है ये फ्रेंड्स, मैं आपको स्केल से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर दिख रहा है 8 दिख रहा है और यहाँ पर आ रहा है 12 by 8 ऐसे आ रहा है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है। बहुत ही अच्छा है, ये नेशनल इको कंपनी का है। बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, ये वर्किंग कंडीशन में था, थोड़ा सर्विसिंग करने दिया था, मतलब उसके आगे जाके मतलब बनना पड़े, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए उसके लिए मैंने दिया था। और दूसरी बात ये, यहाँ पर बस यहाँ पर एक कॉर्नर में आप देख सकते हैं, ये वाला कॉर्नर में इस तरह से हल्का सा टूट गया था, तो मैं बोला चलो ठीक है, उतना तो दिख रहा नहीं, चल जाएगा। और कभी भी रेडियो में हमेशा क्यों जान में उसके बता दो कि कभी भी आप रेडियो लोगे तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ से टूटा हो ना हो, और कांच ना टूटा हो, कपड़ा अच्छा हो, चारों कॉर्नर से देखना कि यहाँ वहाँ से उसके ओरिजिनल बटन है क्या नहीं बटन है। ये एक्चुअली 3 बैंड का है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। ये छोटे वाले रेडियो शो के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। घर पे आप कहाँ पर भी अपने हॉल में रख सकते हैं, कहाँ पर भी अच्छी जगह पर टीवी के ऊपर शोकेस में रख सकते हैं। ये चीज़ें बहुत रेयर होती है, छोटा तो बहुत ही रेयर होता है कि मिलना मुश्किल होता है। बड़े बड़े रेडियो मिल जाते हैं, पर वीडियो छोटा बहुत मुश्किल होता है कि रखने के लिए बहुत एंटिक होता है। ये एंटिक चीज़ें में जाती है और बहुत महंगी आती है फ्रेंड्स। आपको भी कभी भी रेडियो मिल गया तो कम पैसे में ले लेना, और कोशिश करना कि कम से कम पैसे में बाय करने के लिए अंकल को समझा देना कि ऐसे ऐसे रेडियो मुझे बाय करना है। आप देख सकते हैं इसमें लॉक लगे, मैं इसका पीछे का भी दिखा देता हूँ। मैं इसके पीछे पेपर लगाया था, इसका सारे कॉर्नर दिखा देता हूँ। कॉर्नर चेक करना, देखो यहाँ पर एक हल्का सा टूट गया, वो मैं कर दूंगा, बता दूंगा कि कैसे लगाने का, ये सेट करना था। तो मैंने स्क्रू भी निकल के रखे, ये घड़ी घड़ी निकल के बाहर आ रहा है। आसानी हो स्क्रू क्यों निकाला कि जल्दी खोल के आपको बता सको, स्क्रू में ज़्यादा वीडियो टाइम ना लग जाए। तो कॉर्नर पहले दिखाता हूँ, बाद में इसके अंदर का दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर भी है अच्छा कंडीशन में फ्रेंड्स, और कहाँ से टूटा उठा नहीं है, बस देखो यहाँ पर एक इतना सा हल्का चल जाएगा। नेशनल इको कंपनी का फ्रेंड से ये बहुत ही डीसी वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। देखो नेशनल इको बहुत ही अच्छा है, मैं अभी इसके अंदर का फ्रेंड्स दिखा देता हूँ। कभी भी इसके लेते टाइम पे यही ध्यान रखने का फ्रेंड्स, इसके चारों कॉर्नर टूटे ना हो, ऊपर से टूटे ना हो, ग्लास ना टूटे, और इसके कभी भी अंकल कुछ भी कितना भी बताए तो अपना काम है फ्रेंड्स। कभी भी ध्यान दे के रेडियो लेने का, अंकल को बोलने का ये वाला फ़ोटो, ऊपर से नीचे का फ़ोटो, साइड का फ़ोटो, सारे फ़ोटो भेजने के लिए बोलना, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या काम करना है, मतलब कैसे काम करना है और कैसे लेना है रेडियो। तो कुछ भी लेने से पहले 10 बार अपने मैकेनिक को एक बार तो पूछ लेना। मैं इसके अंदर का दिखा देता हूँ, अंदर का बहुत ही अंकल ने काम किया है। तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा फ्रेंड्स, देख सकते ये है अंकल ने काम किया, बहुत ही अच्छा है। 1 2 3 ये 3 वाल का है फ्रेंड्स, बहुत ही रेयर है भी ऐसे रेडियो मिलते नहीं। अंकल ने पूरी तरह नीचे का काम कर दिया, आप देख सकते, बस इसको सेटिंग की ज़रूरत है फ्रेंड्स। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, इसका सेटिंग कर देंगे, मेरा एक मैकेनिक से करवा दूँगा कि उससे। और पहली बात तो इसका एक ट्यूनिंग का बटन होता है, और इसके साइड में चैनल चेंज करने का एक बटन है, बैंड चूज उसको बोला जाता है फ्रेंड्स। वो बैंड चूज ने बताया कि काम नहीं कर रहा है, तो उसने अंकल ने टेम्पर वाली एक शूज लगा के दिखाया मुझे, मैं दिखा देता हूँ। उसे बोला कि लग जाएगा, बहुत अच्छा काम किया।
जी जी मैंने इसको साइट में क्यों इसे लगा के रखा कि ये देखिए इसको फ्रेंड्स पेन बैंड स्विच बोला जाता है इसको, कि वो वाला काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसके ऊपर चेक कर रहा था तो टेम्प्ररी लगाया है, बाद में ये वो फिट करने वाला था। पर अंकल के पास बहुत सारा काम थे, वो वाइंडिंग का काम करते, वो अच्छा ही बोलते, मैं भूल गया 2 मिनट के लिए फ्रेंड्स सॉरी। इन्वर्टर का ज़्यादा फ्रेंड्स उनके पास काम होता है, वो वाइंडिंग का बड़े बड़े ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर की तरह होते, बहुत सारे बड़े बड़े उनके घर पे थे, मैंने गया था उनके घर पे, तो वो ज़्यादा कर रहे थे, उनके पास टाइम नहीं हो रहा था। मैं बोला चलो ठीक है, घर पे अपने रखने से अच्छा अपन लेके आते हैं, अंकल को भी डिस्टर्ब करते, अंकल के इधर भी थोड़ा क्यों जमा करते रेडियो। अंकल को बोला बाद में आप फ्री हो जाएंगे तो बोलना, मैं दूसरा वाला रेडियो लेके आऊँगा। तो ये देखो अंकल ने बहुत यहाँ पर PF लगाया, यहाँ पर रजिस्टर लगा, देखो यहाँ पर PF यहाँ पर। अंकल ने बोला ये वाला कॉइल गया है तेरे रेडियो में, ये वाला। तो अंकल ने देखो यहाँ पर लगा, यहाँ पर फ्रेंड ये वाले। तो अंकल ने बोला है वो गया है, तो एक काम करना कि वो वाले गए तो ये वाला टेम्पर वाले चेक करने के लिए लगाया था कि उसका नेटवर्क आता है कि नहीं आता है। तो अंकल ने देख लिया नेटवर्क आ रहा है, यहाँ पे सब टोमिंग घुमाने के लिए है। तो अंकल ने बहुत ही बढ़िया काम किया था, मैं इसको अंकल ने मेरे को इसका वीडियो भी भेजा था, मैं इसका वीडियो चेक करता हूँ मेरे पास है क्या, तो मैं आपको दिखा दूँगा। मैं इसका आगे ले लेता हूँ, आपको पता चलेगा अंकल ने बहुत ही अच्छा काम किया। बस अंकल फ्रेंड इसको भी मेरे को चालू ही करना है, इसका 2-3 वायर निकला है, तो उसके लिए मैंने इसका वायर जरा देखो यहाँ वहाँ से निकला है, देखो तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसको चालू करना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये खास सारे यू सीरीज के हैं, तो इसको करंट लगने के बहुत ही चांसेस होते हैं। तो उसके लिए मैं मतलब छेड़छानी नहीं करना चाहता हूँ, आप भी कभी भी ये वाले छेड़छानी नहीं करना, इसको करंट लगने के बहुत चांसेस होते हैं फ्रेंड्स। ये यू सीरीज़ का रेडियो है, यू सीरीज़ का रेडियो में ज़्यादा करके करंट लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखो ये आज ऐसे बीच में आ रहा ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको स्टिक करके रखा था, मैं आगे लेके बताता हूँ। इसके IF भी दोनों भी अच्छे हैं, वाल भी अच्छे हैं। इसका गैंग देख सकते हो, धागा वीगा सारा लगा है, इसको टच हो रहा है, देखना पड़ेगा। तो अपने मैकेनिक के अभी तो फ्रेंड्स अपने मैकेनिक के पास नहीं लेके गए, ऑलरेडी मैं अभी कल परसों एक रेडियो लेके गया था, तो अभी दिवाली के बाद ही लेके जाऊंगा। आपके पास भी ऐसे रेडियो हो नेशनल का तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना फ्रेंड्स, हम लोग भी ये रेडियो सुनते हैं, हमारे पास भी ऐसे रेडियो है। आपके पास भी हो, किसका भी हो, दादाजी का हो, दादी जी का हो, आपका कोई फ्रेंड ने गिफ्ट किया रहेगा, आप किधर से बाय भी किया रहेगा, तो संभाल के रखना फ्रेंड्स। ये कभी उसको रेयर मतलब ये आने वाले पीढ़ी को आपको दिखाने के लिए, मतलब आगे आके जनरेशन को दिखाने के लिए, कि आपके मतलब कोई भी बच्चे हो बड़े हो जाने के बाद बोल सकते भाई हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी था, कांच वाला लाइट जलने के बाद ही रेडियो में आवाज़ आती थी, नहीं तो रेडियो में आवाज़ ही नहीं आती थी, ऐसा टेक्नोलॉजी वो टाइम का है फ्रेंड्स। बहुत ही वो टाइम का टेक्नोलॉजी, वो लोग को आदमी लोग ऐसे नहीं सोचते थे कि इसमें से कुछ डुप्लीकेट माल है, उनके दिमाग में ऐसे कौन सा पार्ट ही नहीं था कि डुप्लीकेट, ऐसे अपने अंदर अभी सब लोगों ने फिट करके लगा कि डुप्लीकेट, वैसे वो लोग के अंदर कुछ पार्ट नहीं था दिमाग के अंदर कि सोचना भी नहीं था कि डुप्लीकेट पार्ट लगा, तो सब ओरिजिनल पार्ट होता है, तो कॉपी करने का चांसेस नहीं इसमें। तो बहुत ही बढ़िया है ये रेडियो, ये वाल वाले रेडियो तो बहुत रेयर है, अभी आज की तारीख में मिलेंगे नहीं, बहुत आपको किधर भी मिल गया तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के बाद कि मेरे पास भी है और मैं भी हम लोग भी सुनते थोड़ी। तो इसके बारे में किसको भी कुछ भी सामान मतलब चाहिए तो अपने मैकेनिक का नंबर देता हूँ, मैकेनिक से कांटेक्ट कीजिए। मेरे पास तो फ्रेंड्स नहीं, मैं अपने हमेशा मेरे से कुछ मतलब ही नहीं लेके, मेरा मैकेनिक भी सब कुछ आपको ज्ञान दे सकता है, मैं तो छोटा सा ही रेडियो का वीडियो बनाता हूँ। तो आपके पास भी
कुछ भी सामान। मैंने एक वाल के बारे में भी पूछा था, तो किसको वाल 7Q7 का वाल आपके पास किसके पास होगा तो मुझे बता देना फ्रेंड्स, तो मैं इसको आगे से दिखा देता हूँ। देखो सब बढ़िया ही है, थोड़ा बैंड हो गया इसका बैक और निकाल दिया मैंने, इसको बाद में पैक कर दूँ। हाँ अंकल ने इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, वेरी गुड, मैं आपको बताना भूल गया। देखो यहाँ पर डीसी डीसी वाला था, इसमें ग्रीन कलर का रजिस्टर आता है, आपको सबको पता है 4 पिन का आता है, आपने देखा ही रहेगा, रेडियो बनाने वाले को ही पता रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर दिखा देता हूँ, डीसी डीसी वाला है फ्रेंड्स ये, तो इसमें पावर ट्रांसफार्मर लगा दिया अंकल ने, बहुत ही बढ़िया काम किया। इससे अभी करंट कम लगने का चांसेस है, लगता ही नहीं तो उसमें, और ग्रीन कलर का होता है उसमें करंट ज़्यादा लगने का चांस होता है। तो ये वाले रेडियो मतलब ईसी डीसी और यू सीरीज़ के रेडियो होते हैं मेरे नॉलेज से, मैं बाकी का बुरा नहीं, मेरे को यू सीरीज़ का रेडियो बहुत ही पसंद है, कि एक बार वो गर्म हो जाएगा ना वाल तो बहुत ही अच्छा फ्रिक्वेंसी आता है। उसका पावर ट्रांसफार्मर का फ्रेंड्स बताना भूल गया था, अंकल ने पावर ट्रांसफार्मर लगा दिया, देखो बहुत अच्छा काम किया, बस उसको अभी सेट करना है, देख सकते अभी ये 2-3 वायर निकले ना तो मुझे डर लग रहा था, तो मैंने बोला जान ठीक है, अंकल ने बहुत मेहनत किया तो कुछ शॉर्ट हो जाएगा, मतलब कुछ लग जाएगा यहाँ वायर, कुछ जल जाएगा, तो स्टार्टिंग से ही काम करना पड़ेगा, तो उससे जब अपन नया करें, आप भी ना करें तो मैकेनिक से ही एडवाइस लेना, मैकेनिक से ही थोड़ा ही पैसे लेगा, ज़्यादा क्या पूरा पॉकेट ही नहीं निकाल के लेगा, कोशिश करना कि ऐसे ही काम करे, आपका बस ऐसे ही रेडियो रहे, और शो के लिए तो रखिए फ्रेंड्स, कभी सेल नहीं करना भंगार वाले के पास, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया 100 रुपये देगा, पर ये चीज़ें यादें होती है, ये चीज़ें आपको कहाँ से ऐसे मिल नहीं पाएगी, अभी तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, अपन आपको याद आएगा अरे भाई मैंने तो कबाड़ी वाले को 100 रुपये में 50 रुपये में दिया, 50 रुपये भी नहीं देगा वो तो वेट के ऊपर वजन करके देता है, मेरे को पता भी नहीं था ये रेडियो कैसे मतलब भंगा वाले कबाड़ी वाले के पास मिलता है, ऐसे ही मैं लेके गया तरफ दी तो उसके पास मिल गया, आपने देखा एक मेरा वीडियो, तो वो बोला ये इतना प्राइस उतना प्राइस, तो बाद में मुझे पता चला तो वेट पे ही लेता है, उसने तो खरीदा वेट के ऊपर ही रहेगा, तो कोशिश कीजिए इसको सेल ना करें किसको भी, आप किसी भी बाय करोगे तो संभाल के बाय कीजिए, और एक बार रेडियो लेने से पहले, किससे भी रेडियो लेने से पहले अपने सीनियर को पूछना, सीनियर मतलब बस मैकेनिक हो, मतलब अपने डैडी को पूछूं मम्मी को पूछूं कि एक बार मैं अपने घर लेके आऊं क्या नहीं लेके आऊं, तो ऐसा ऐसा रेडियो है वैसा ऐसा रेडियो है, तो अच्छा लगेगा सबको अच्छा लगेगा, तो मैकेनिक को भी पूछना कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, आपके पास मैकेनिक ना हो तो अपने मैकेनिक का नंबर मैं देता हूं, मेरा नंबर नहीं देता हूं, मैं अपने मैकेनिक का नंबर देता हूं, नहीं तो आप बोलेंगे आपका नंबर नहीं दिया, अरे मैं अपने मैकेनिक को पहले पूछता हूं कि आपका नंबर दूं क्या, तो मैकेनिक ने यस बोला तब भी जाकर मैं दे सकता हूं आपको नंबर, अभी दूंगा मैं आपको नंबर नो प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, ये नेशनल इको का है, मैं बढ़िया बड़ी वीडियो नहीं करूँगा मैं इसका, अभी मैं वीडियो यही स्टॉप कर दें तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, लाइक करना, शेयर करना, मैं वीडियो यही स्टॉप करता हूँ, बाय फ्रेंड्स।